हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ द एंड्रॉयड वन डिवाइस मी वन। मैं ये वीडियो इस डिवाइस को 15 डेज यूज करने के बाद बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुमान और आज मैं आपको बताऊँगा कि इन 15 दिनों में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मी वन के साथ। तो मैंने लिया था इस डिवाइस को 15,000 में, जो कि है ब्लैक वेरियंट। So without wasting time, let's jump right into this. Friends, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने पहले से ही Mi A1 के कुछ स्मार्ट एंड हिडन फीचर्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो कि बहुत ही अच्छा है मेटालिक बॉडी के साथ। और फ्रेंड्स, ये इन हैंड आपको एक प्रीमियम डिवाइस का फीलिंग देता है। और फ्रेंड्स, इसका जो डायमेंशन है लगभग आईफोन 7 प्लस के जैसा ही है। और ये 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ आपको एक कूल डिवाइस का लुक देता है। हाँ, अगर आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन चाहिए तो एक राइट ग्लास गार्ड मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है मी A1। नॉर्मल डेली यूजेस में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नॉर्मल यूजेस के साथ साथ हैवी गेमिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मी A1। और फ्रेंड्स, ये एक स्लिम फोन है, जो कि आपके पॉकेट में आसानी से फिट हो जाता है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन तो नहीं है, मगर ये बहुत फास्ट चार्ज होता है। 0 से 100% चार्ज होने के लिए इसे ओनली 1 आवर 50 मिनट्स ही लगता है। विद नॉर्मल यूजर्स एक बार चार्ज करके ये एक दिन आसानी से चल जाता है, आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। अब आते हैं इसके मेन हाईलाइट के तरफ, जो कि है एंड्रॉयड वन डिवाइस। फ्रेंड्स, ड्यू टू एन एंड्रॉयड वन डिवाइस और स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट, इसमें आपको कोई भी लैग्स देखने को नहीं मिलेगा, ये कभी भी हैंग नहीं होता। इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से इसमें मल्टीटास्किंग का मज़ा ले सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट है, आप बहुत ही क्विकली एक ऐप से दूसरे ऐप पे जा सकते हैं। और फ्रेंड, हैवी गेम्स खेलने पर भी ये कभी भी हीट नहीं देता। फ्रेंड्स, मैंने इसमें FZ9, रेड ट्रिगर और गैंगस्टर वेगास जैसे गेम्स ट्राई किया है। तो जैसे कि गूगल ने एंड्रॉयड अपडेट्स को लेकर प्रॉमिस किया है, अब तक इसमें 2 अपडेट्स आ चुके हैं, इंक्लूडिंग अगस्त एंड सितंबर सिक्योरिटी पैच। और इसमें जल्द ही आपको एंड्रॉयड ओ का अपडेट भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, गूगल ने कहा है इसमें एंड्रॉयड पी का अपडेट भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, नाउ कम टू दी 212 MP रियर कैमरा सेटअप। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है पोर्ट्रेट मोड में, और साथ में है 2x जूम बहुत सारे फिल्टर्स एंड मोड्स के साथ। फ्रेंड्स, इसका रियर कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसमें जो कलर्स हैं बहुत ही नेचुरल हैं। पर फ्रेंड्स, अगर आपको सेल्फी लेना पसंद है तो सेल्फी के लिए ये आपके लिए एक हाइट चॉइस नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका जो सेल्फी कैमरा है वो इतना अच्छा नहीं है। लाइट में रियर कैमरा से लिया गया है, आप देख सकते हैं कि लो लाइट में इसका जो कैमरा है इतना अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको लाउड म्यूजिक पसंद है तो ये एक ग्रेट चॉइस बन सकता है आपके लिए। और फ्रेंड्स, इसका जो 3.5 mm जैक ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही कमाल का है, और इसके नीचे जो मोनो स्पीकर है वो भी बहुत ही
लाउड साउंड देता है गुड क्वालिटी साउंड के साथ। फ्रेंड्स, आप अगर एक म्यूजिक लवर हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इस प्राइस रेंज में। मैं म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितना लाउड है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, और मी वन के बारे में कोई सवाल या फिर कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।